स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इंफिनिटी में। चलिए सीधा अटैक करते हैं हम लोग कैट 2023 के प्रिपरेशन के ऊपर, जिसमें इस सीरीज में हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट बेस्ड चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। और आज हम दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे। देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। पहले आप खुद से करेंगे क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, इसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी आंसर आएगा आपका, वो आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो भी डाउट है वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो जो भी डाउट आएगा उसे मैं फर्दर क्लास में क्लियर कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, इससे पहले खुद से सॉल्व कीजिए, इसके बाद रिज्यूम करके सॉल्यूशन हो जाता, आंसर आ जाता, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें। अगर सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो प्लीज रिज्यूम करके फिर इसे फर्दर आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, लेट a1 a2 a3 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस सच दैट a1 इज इक्वल टू 2, A1 की वैल्यू गिवन है, एंड an-1 इसकी भी वैल्यू गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 2n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ इक्वालिटी का भी साइन है, ध्यान रखेंगे ये सब जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 a20 तक की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। an-1, so this is equal to 2 into n, okay, ye given hai. So if we put n is equal to 2, so a2 minus a1, so this is equal to 2 into 1, okay. If we put n is equal to 3, a3 minus a2, so this is equal to 2 into, yahan pe 2 into 2 ho jayega, 2 into yahan 3 ho jayega, n equal to 2, n equal to 3. अगर n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, a4 माइनस a3, सो दिस इज 2 इंटू 4। इसी तरह अगर हम लोग n इज इक्वल टू n पुट करते हैं, चूंकि n इज इक्वल टू n पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा an-1, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n आ जाएगा। ओके नाउ अगर इसे सम करते हैं, ध्यान से देखेंगे, सम करेंगे तो ये वाला पोर्शन a2 से a2 माइनस में चला जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से देखते हैं कैंसिल होता चला जाएगा। सो हमारे पास क्या आएगा बच के, फाइनली जो हमारा आएगा, सो दिस इज सम करने के बाद ये हमारा आ जाएगा, a2 कट गया, a3 कट गया। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो यहाँ पे सिमेट्रिकली यहाँ पे an-1 भी कट जाएगा और यहाँ पे an-1 होगा तो इससे कट जाएगा। ओके सो हमारे पास बचेगा an-a1, दिस इज इक्वल टू 2, अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन, कहां तक, n तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, an-a1, सो दिस इज इक्वल टू 2। अगर यहां पे एक ऐड करते हैं 1, क्यों करेंगे, 1 प्लस 2, ऐसे ऐड कर देते हैं तो एक माइनस घटा देंगे, बात बराबर रहेगा। ओके 2 ऐड किया और 2 को घटा दिया, सो वी हैव an-a1, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ये सम ऑफ नेचुरल n टर्म्स का नेचुरल नंबर आ गया, सो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 आ गया। ओके ये चीज आ गया, सो वी हैव 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो an-a1, सो दिस इज इक्वल टू n² + n-2। ओके आगे चलते हैं, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल टू 2, सो a1 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास an आ गया n² + n, राइट। और हमें समीशन निकालना है कहां तक, 20 तक, तो समीशन ऑफ an इज इक्वल टू 1 to 20, सो दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ n² इज इक्वल टू 1, ओके वेट अ मिनट इसको हटा देता हूं, n इज इक्वल टू 1 to 20 प्लस समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 20 n। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज। नाउ हमारे पास क्या है फॉर्मूला समेशन ऑफ n का, सो n समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला है हमारे पास n इंटू
2n+1 × n+1 अरेंज कर लेंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होता है डिवाइड बाई 6, और n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन समेशन ऑफ n का डिवाइड बाई n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2. सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 20. सो 20 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू 20, n प्लस वन इज 21, 2n प्लस वन इज 41 डिवाइड बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन आएगा, डिवाइड बाई 6 प्लस n 20 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइड बाई 2. क्लियर हो रहा होगा? अब इसी को हमें सॉल्व करना, चलिए सॉल्व करते हैं. सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 10 बार में कैंसिल, इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 बार में कैंसिल, इसे अगर हम करेंगे तो ये 10 बार में कैंसिल. सो यहाँ पे रेट से मैं बाकी का स्टेप लिखता हूँ. 1 × 7 = 7, ध्यान से देखेंगे, 1 × 7 = 7, 7 × 28, 2 × 7 = 7, 7 × 28 मल्टीप्लाई बाय 10 2870, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 41, और 210 10 × 21 का मल्टीप्लाई हुआ 10 × 21, इसी को जोड़ना है, जोड़ देते हैं 0 8 8 2 10 0 हाथ में 1 2 1 3 30 80 आया. सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, 30 80. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. देखिए इसमें सारा कॉन्सेप्ट है, सीक्वेंस का भी कॉन्सेप्ट है, सीक्वेंस को कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, समेशन ऑफ एन क्या होता है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा. मैं यहाँ पे लिख लेता हूं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 up to n तक अगर हम करेंगे तो ये होता है n × n+1 / 2. एक ये फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर मतलब 1² + 2² + 3² + ……n² अगर इसकी बात करें, सो n × n+1 × 2n+1 / 6 होता है. अगर हम समेशन ऑफ एन क्यू की बात करें, डेट इज 1³ + 2³ + 3³ + …n³. सो दिस इज समेशन ऑफ n टू द पावर स्क्वायर होता है, डेट इज n × n+1 का ब्रैकेट हो जाएगा ये, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर होगा, इसे ध्यान में रखना है. ओके तो ये तीन फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आता है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से आता है, इसे याद रखना, इसी का एप्लीकेशन किया गया. आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. जय हिंद.